हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मैं आज आपके लिए लाया हूँ नेशनल जियोग्राफी ग्लो इन द डार्क क्रिस्टल लैब। तो दोस्तों, इस किट को यूज करके हम अपने घर में ही एक क्रिस्टल को बना सकते हैं। वैसे इस किट के ऊपर लिखा हुआ है, क्या हम सच में बना सकते हैं या फिर नहीं? तो चलिए दोस्तों, इस किट को टेस्ट करके देखते हैं और इस किट को अनबॉक्स भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस किट को मैंने बाय किया था अमेजोन से। ये देख सकते हो, ये रहा अमेजोन और इसका प्राइस है 719 रुपीस। आप अगर इसे बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको पहले इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ग्लो इन द डार्क क्रिस्टल लैब और यहाँ पे लिखा है ग्रो अमेजिंग क्रिस्टल्स एट होम। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें जिन्युइन फ्लोराइड का स्पेसिमेन भी मिल जाता है, यानी कि दोस्तों एक फ्लोराइड का क्रिस्टल भी मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के पीछे भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और बनाते हैं हमारे क्रिस्टल को। मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूं दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट लगा मुझे यार, हमें आज क्रिस्टल बनाने को मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हो, लगता है ये एक यूज़र मैनुअल है। तो यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शंस एंड लर्निंग गाइड। तो इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और क्रिस्टल ग्रोइंग इंस्ट्रक्शंस है। देख सकते हो यहाँ पे क्रिस्टल को किस तरह से बनाना है, सारी चीज़ें दी हुई है और क्रिस्टल लर्निंग गाइड है, कितने प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं सारी चीज़ें दी हुई है, यूजेस फॉर क्रिस्टल्स है, हाउ टू क्रिस्टल फॉर्म्स दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक लग रही है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ओ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कितने प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एर्गोनाइट, कैल्सिट और फ्लोराइट। तो दोस्तों, हमें इस बॉक्स के अंदर फ्लोराइट का एक क्रिस्टल भी मिलता है, देखते हैं फ्लोराइट का क्रिस्टल किस तरह से दिखाई देता है। तो इसके अंदर और हमें देख सकते हो कुछ क्रिस्टल ग्रोइंग पाउडर भी मिल जाता है एक पैकेट। तो इसे किस तरह से यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना दोस्तों, ये वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये है सीड रॉक, तो इसको यूज करके ये हम एक क्रिस्टल को ग्रो कर सकते हैं वाटर के अंदर। तो इसे भी किस तरह से यूज करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ दोस्तों। और इसके साथ वाव, ये है दोस्तों एक कमाल की चीज यहाँ पर। तो ये क्रिस्टल को रखने के लिए देख सकते हो एक स्टैंड भी दिया हुआ है। ओ वाव दोस्तों, ये रहा यार सबसे कमाल की चीज, ये है फ्लोराइड। दोस्तों, फ्लोराइड को किसके अंदर यूज करते हैं क्या आपको पता है? यार कितनी भारी चीज है, मेटल जैसी लग रही है पूरी। दोस्तों, इस फ्लोराइड को किस किस चीजों में यूज किया जाता है देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इसे यूज किया जाता है टेलीस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, कैमरा लेंसेज के अंदर, यानी कि गाइस हर तरह के लेंसेज बनाने के लिए इस क्रिस्टल को यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि आप अभी जो आपके मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो उसके कैमरे के अंदर भी इस तरह का फ्लोराइड यूज किया जाता है। के साथ हमें और देख सकते हो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी मिल जाता है यहाँ पर। तो और क्या है भाई इसके अंदर, और एक स्टिक मिल जाती है। तो दोस्तों, चलिए अभी बनाते हैं हमारे क्रिस्टल को। तो दोस्तों, इस क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कप ऑफ हॉट वाटर लेना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ले लिया मैंने हॉट वाटर और अब हम इस पैकेट को कट करेंगे। ये है क्रिस्टल ग्रोइंग पाउडर, तो इसे मैं यहां से कट कर देता हूं दोस्तों। तो इस पाउडर को हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों इस तरह से। आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे क्रिस्टल्स इसके अंदर घुल जाए। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है। तो दोस्तों, इस मैनुअल बुक में भी मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर कोई क्वांटिटी नहीं दी हुई यार, कि हमें
इस क्रिस्टल पाउडर को कितना डालना है, तो मैं इसके अंदर की हाफ पैकेट इसके अंदर डिसॉल्व कर दूंगा अभी। तो उसके अंदर लिखा है कि आप जितना ज़्यादा क्रिस्टल पाउडर डालोगे उतना ही बड़ा आपका क्रिस्टल बनेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे हाफ पैकेट डालने वाला हूँ दोस्तों। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ पहले मैं। तो ये पाउडर बहुत ही आसानी से इस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है दोस्तों। आपको कंटिन्यूसली इसे इसी तरह से 10 मिनट्स तक घुमाना होगा, तभी ये पाउडर इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। सीड निकाल लेते हैं हम। तो देखते हैं इसके अंदर हमें किस तरह का सीड मिलता है यार। ओ वाव दोस्तों, देख सकते हो ये है क्रिस्टल बनाने का सीड। लगता है यार पूरी तरीके से एक के अंदर जो योक होता है ना उसी तरह का नजर आ रहा है ये। देख सकते हो दोस्तों कितना कमाल का है यार। तो अभी इस सीड को हम इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों। तो इसे निकाल लेता हूं मैं यहां से और इस सीड को बहुत ही आराम से इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हो दोस्तों नीचे जो फ्लैट एरिया है तो इसे नीचे ही रखना है इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आपने इसके अंदर जो सीड डाल दिया है तो इसे आपको कहीं पर भी कॉर्नर में रख देना है। इस क्रिस्टल को बनने के लिए 7 to 10 डेज लगते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये क्रिस्टल बड़ा हो जाता है इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा कि क्रिस्टल किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। तो आज आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम हो चला है 9:19 और आज डेट है दोस्तों August 25th। तो देखते हैं दोस्तों कितने दिन में हमारा क्रिस्टल बनकर रेडी होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा मेरा मोबाइल और आज डेट है 2 September और यहाँ पे टाइम हो चला है 23:50। ऑलमोस्ट रात के 12 बजने आ चुके हैं गाइस। तो ऑलमोस्ट शायद 8 डेज हो चुके हैं आज को। मैंने इसे 25 August को इस वाटर के अंदर डाला था इस क्रिस्टल बनाने के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों क्रिस्टल तो बन चुका है वैसे लग रहा है मुझे। तो इसके अंदर जो वाटर है, इस वाटर को निकाल लेते हैं पहले इसके अंदर से बाहर। ओ नहीं यार दोस्तों, लगता है ये क्रिस्टल टूट चुका है। शिट मैन, ओ भाई बहुत ही गलत काम हुआ है यार यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हो ऑलमोस्ट क्रिस्टल बन चुका था यार, और देख सकते हो इसका साइज भी आप लोग, कितना बड़ा क्रिस्टल बन चुका था। मैंने सिर्फ इसे डाला था इसके अंदर तो शायद ये इसके ऊपर इस तरह से चिपका हुआ था, नीचे गिरकर टूट चुका है यार। बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल बना है, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप। वाह यार एकदम मजा आ गया, ये साइंस एक्सपेरिमेंट मुझे एकदम कमाल की चीज लगी दोस्तों। तो क्रिस्टल की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत मजबूत क्रिस्टल है गाइस। देख सकते हो यहाँ से टूट रहा है लेकिन बीच में से भी टूट चुका है यार। तो अभी तोड़ के देखते हैं इसे टूटता है या नहीं। पता नहीं किस चीज का बना है दोस्तों ये क्रिस्टल, देख सकते हो। वाह यार ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे तो बड़ा मजा आया दोस्तों। आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाइस इतना बड़ा क्रिस्टल बनकर रेडी होएगा। तो दोस्तों चलिए अभी देते हैं शाउट आउट। तो यहाँ पर पहला नाम आ जाता है मनी माला बर्मन, अरमान, ममता खन्ना, सोनाली शिंदे, मेहर, विवेक चौबीसा, आशुतोष दंतानी, प्रमोद कुमार, शमशीद अहमद, पुष्पा राजपुरोहित, सागर, राजेंद्र सिंगला, अजय शंकर, गिरी बाबू, उदय पाल, कृष्णाकांत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर देना लाइक, नीचे कर देना जरूर से कमेंट और कमेंट लिखने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना यार।
तो फ्रेंड्स आपको याद होगा क्रिस्टल बनाते वक्त मैंने इस सीड को यूज किया था, तो देख सकते हो दोस्तों अभी भी ये सीड बहुत ही सही सलामत है। चाहे तो हम वापस से इस सीड को यूज कर सकते हैं वापस से क्रिस्टल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ग्लो इन द डार्क क्रिस्टल लैब। तो यार ये ग्लो करता है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो लाइट्स ऑफ, ओ भाई देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है यार ये। वाह भाई वाह वाह, मजा आ गया दोस्तों सच में यार, ये ग्लो करता है और क्रिस्टल भी बनकर रेडी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है खत्म, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।